आप सभी को मेरे नमस्ते और जय हिंद। बी एच यू इन्फोपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आपका एडमिट कार्ड जो है आधी रात में एन टी ए के द्वारा जारी कर दिया गया है और जो भी ऑफिशियल नोटिस है एन टी ए की वेबसाइट पर जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें अवेलेबल लिखा रहेगा कि आपका जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, इन चीज़ों का ध्यान रखें और बाकी जो आपका एडमिट कार्ड है उसके अंदर सारी चीज़ें बताई गई हैं, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कोविड से रिलेटेड और आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है ये सब भी बताया गया है। आप सिंपली अपने सी वी टी यू जी पोर्टल पर जाएंगे, cvt.smart.ac.in पर, वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन आई डी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ यानी एप्लीकेशन आई डी या पासवर्ड भूल चुके हैं तो वहीं पे लॉगिन वाले सेक्शन के नीचे फॉरगोट करने का, मतलब उसको पासवर्ड को या फिर एप्लीकेशन आईडी को रिकवर करने का ऑप्शन आता है। वहाँ पर जाकर आप अपनी जो है एप्लीकेशन आईडी या पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। आपके ईमेल आईडी, आपके फ़ोन नंबर पर जो है एसएमएस या ईमेल के माध्यम से आपको पासवर्ड रिकवर करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो लॉगिन करने के बाद में आपके पास तीन चार बटन देखने को मिल रहे हैं। पहला कन्फर्मेशन पेज है। कन्फर्मेशन पेज का मतलब आपने जो एप्लीकेशन फिल की थी, आपने जिसमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाली थी और स्कूल इन्फॉर्मेशन डाली थी, इसके अलावा आपने जो टेस्ट चूज़ किए थे, पेपर चूज़ किए थे, है ना, और कौन कौन से स्लॉट चूज़ किए थे, ये सभी चीज़ें और प्रेफरेंस क्या दी थी, ये सब चीज़ें कन्फर्मेशन पेज में एप्लीकेशन आईडी में आएगी। इसकी अभी आपको ज़रूरत नहीं है, पहले से पढ़ा होगा आपके पास, नहीं पढ़े तो डाउनलोड कर सकते हैं और इसको रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो डाउनलोड प्रिंट और एडमिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर जाकर आप अपना जो है एडमिट कार्ड, प्रोविजनल एडमिट कार्ड जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इतने दिनों से, वो सब जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के बाद इस पीडीएफ को जो है आप प्रिंट करवा कर रख लीजिएगा और इंस्ट्रक्शन वहाँ पर सीयूटी के बुलेटिन में पहले ही दे दिया गया था कि A4 साइज़ पर जो है आप इसको एडमिट कार्ड को प्रिंट करवा कर रख लेंगे, ठीक है। तो जब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, इसमें तीन पेज देखने को मिल रहे हैं। पहला पेज जो है उस पर आपकी जो है इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे आपका जो है एग्ज़ाम का रोल नंबर क्या रहने वाला है, आपकी एप्लीकेशन नंबर यानी सीयूटी आपने जो रजिस्ट्रेशन किया उसकी जो है एप्लीकेशन नंबर क्या थी, इसके अलावा आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर सभी। सबसे पहले आपको जो है अपनी इस पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चेक कर लेना है कि इसमें कोई भी त्रुटि ना हो। अगर इसमें कोई आपको त्रुटि देखने को मिलती है, कोई गलती देखने को मिलती है, तो आप जल्द से जल्द जो है एनटीए से कॉन्टैक्ट कर लेंगे। इस चीज़ को सबसे पहले आपको कन्फर्म कर लें कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सही है, ताकि डेट ऑफ बर्थ वगैरह और इन सब चीज़ों में कोई मिसमैच ना हो जाए, क्योंकि अगर मिसमैच होता है तो आपको बाद में जो है दिक्कत देखने को मिल सकती है जब आप एग्ज़ाम देने सेंटर पर जाएंगे। इसके बाद में पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद में जो है आपको टेस्ट पेपर आपके बताए गए हैं कि आपने कौन कौन से टेस्ट चूज़ किए हैं, उसका मीडियम चूज बताया गया कि आप कौन सी लैंग्वेज के मीडियम में जो है देना चाहते हैं, तारीख और स्लॉट बताया गया है, ठीक है। और एंट्री का टाइम बताया गया है कि भैया आप जो है जैसे आपका टाइमिंग टेस्ट का टाइमिंग जो 9 से 12 का है ना, तो आपको जो है सुबह 8:30 बजे से पहले पहुँचना है, 7:30 से 8:30 के बीच में आपको जो है पहुँचना है, ठीक है। तो अपने सेंटर पर टाइम पर पहुँच जाइएगा, 1 से 2 घंटा पहले भी अगर आप सेंटर के पास पहुँच जाएंगे तो बहुत सही रहेगा, मिनिमम 1 या 2 घंटा पहले तो पहुँचिए ही पहुँचिए, ठीक है। और अब आपको जो है जैसे कि यहाँ पे देखने को टेस्ट सेंटर नेम लिखा रहा है, ठीक है, जो भी कॉलेज इंस्टीट्यूट या जो भी जगह पर आपका जो है एग्जामिनेशन होने वाला है उसका सेंटर यहाँ पर लिखा आ गया है। जैसे इनका यहाँ पे है नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि बिहार में है, पटना में है, अम्हारा सिटी में है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अपनी सिटी को देख सकते हैं। इसके बाद में पर्सनल इन्फॉर्मेशन और ये सभी चीज़ों के बाद में जो है दूसरे पेज पर जो है आपको कोविड से रिलेटेड एक डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा। ये डिक्लेरेशन जो है आपके सेंटर पर जमा हो जाएगा, इसमें आपको टिक टिक कर देना है। यहाँ पे पूछा गया कि आपको पिछले 14 दिन में जो है किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, जैसे कि फीवर लिखा हुआ है, आपको बुखार खांसी इस तरह की कोई चीज़ ना हो, या फिर कोविड से आप इफेक्ट ना हुए हों और कोविड जिसको हुआ है उसके कॉन्टैक्ट में ना आए हुए हों, ये सब आपको जो है डिक्लेरेशन देना है लिखकर। इसके अलावा 3 बॉक्स बने हैं, ये अभी आपके काम के नहीं है। यहाँ पे आपका एक थंब इंप्रेशन लगेगा, यानी आपका अंगूठा जो लगता है वो लगेगा। ये सब जो होगा इनविजिलेटर, यानी जब आप एग्जामिनेशन दे रहे होंगे उस टाइम जो वहाँ पे इनविजिलेटर होगा वो खुद आकर आपसे साइन करवाएगा और ये लेफ्ट थंब का इंप्रेशन लगाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो चीज़ें आपको इनविजिलेटर के नज़र में करनी है और जो चीज़ें खुद करनी है वो आप टिक करके पहले से ले जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में इंस्ट्रक्शन और कोविड से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन, दो तरह के पेज यहाँ पे और देखने को मिलेंगे। इन सभी इंस्ट्रक्शन में जरूरी बातें बताई गई है कि आपको जो है एग्जामिनेशन देने जाने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें आपको लेकर जानी है और क्या चीज़ें नहीं लेकर जानी है, और भी बहुत सारी बातें, ठीक है। इसमें जो मेन मेन चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तो यही कि आपको कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, प्रॉपर आपको मास्क लगाना है, सेंटर पर आपको जो है डिस्टेंस का जो सोशल डिस्टेंस होती है उसका पालन करना है, ठीक है। वहाँ पर स्टाफ जो है वो भी करेगा और आप भी करोगे, ये सभी चीज़ें हैं। इसके अलावा रिपोर्टिंग और आपकी जो एंट्री का टाइम है आपको बताया कि 7:30 से 8:30, तो वेल इन टाइम आप वहाँ पर अपने सेंटर पर पहुँच जाइएगा ताकि आपको बाद में किसी भी तरह की कोई दिक्कत देखने को ना मिले, ठीक है। इसके बाद में अगर क्लोजिंग टाइम जैसे 8:30 का दिया तो 8:30 के बाद में किसी को एंट्री नहीं होगी, इसलिए जितना हो सके आप सही समय पर पहुँचने की कोशिश करेंगे। और एग्जामिनेशन आपका ख़त्म होने से पहले आपको हॉल नहीं छोड़ने दिया जाएगा, ये सभी बातें बताई गई है। और अब मेन चीज़ ये है कि इसमें एडमिट कार्ड में आपके 3 पेज हैं। पहला पेज जो है सेंटर डिटेल और सेल्फ डिक्लेरेशन है, तो ये जो पहला पेज है आपको बस ये प्रिंट करवाना है और अपने साथ में लेके जाना है। इसकी हो सके तो दो से तीन कॉपी करवा लीजिएगा ताकि अगर कहीं गुम जाता है, गिर जाता है या कुछ भी डैमेज हो जाता है तो आपको बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है।
क्योंकि आपके जो सेंटर वगैरह होते हैं उसके आसपास में हो सकता है कि आपको फोटोकॉपी वगैरह या फिर ऑनलाइन जो होते हैं साइबर कैफ़े वगैरह वो देखने को ना मिले, और हो तो भी कोई दिक्कत हो सकती है, सुबह सुबह का टाइम होगा, है ना। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, पहला पेज आपको प्रिंट करवाना है और जब सभी इंस्ट्रक्शन को खुद से जो है एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, और एडमिट कार्ड प्रोविजनल है, ये सभी बातें बताई गई है। अब बता रहे हैं कौन कौन सी चीज़ें जो आप ले जा सकते हैं। आप देखिए, एक ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल ले जा सकते हैं, अगर आपको पानी पीना है तो आप खुद की एक बोतल ट्रांसपेरेंट ले जा सकते हैं। इसके अलावा आप एक हैंड सैनिटाइजर जो है उसको भी कैरी कर सकते हैं, एक बॉल पॉइंट पेन जो है वो कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेल्फ डिक्लेरेशन है, एडमिट कार्ड और सेल्फ डिक्लेरेशन, ये तो कंपलसरी है, ये आपको लेके जाना है, इसे मत भूल जाइएगा। इसके अलावा अपने एडमिट कार्ड में के साथ में जो है आपको एक अपनी फ़ोटो आईडी लेके जानी है, फ़ोटो आईडी एकदम एग्जैक्ट जो एक्यूरेट हो, जिसे आपका 10th 12th का मार्कशीट जो है मतलब मैच करता हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये सभी चीज़ें सेम हो, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसी के साथ में फ़ोटो आईडी और एडमिट कार्ड में साथ में आपको अपनी जो है 2 से 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ले जानी है, जो कि वहाँ पे अटेंडेंस के टाइम पे आपसे ली जा सकती है, ठीक है। ओरिजिनल आईडी प्रूफ ले जाना है और एक जीरोक्स भी आप ले जाइएगा। इसके अलावा नो कैंडिडेट इज़ अलाउड टू एंटर द सेंटर वीरिंग इज ओवन मास्क। तो मास्क बताया जा रहा है कि आप खुद का मास्क जो है लेके जाएंगे, वो आपसे उतरवा लिया जाएगा, वहाँ पे आपको एक नया मास्क दिया जाएगा सेंटर के ऊपर, ये सभी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। इन सभी चीज़ों का प्लीज़ 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 फॉलो करिएगा, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और बाकी सब यही सभी चीज़ें हैं, और इनविजिलेटर जैसा कहेगा वो सभी आपको माननी है बातें। और सेंटर पे पहुंचने से पहले जो है आप अपना सेल्फ डिक्लेरेशन जो है उसको सही तरह से भर लीजिएगा, अपनी फ़ोटोग्राफ जो है एडमिट कार्ड के ऊपर लगा लीजिएगा, और अपना जो थंब इम्प्रेशन है वो भी लगा लीजिएगा, ठीक है, क्लियर एंड नोट समझ, ठीक है। तो इनविजिलेटर से पहले ही आप जो है अपने एडमिट कार्ड पे ये सभी चीज़ें कर सकते हैं, बस इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फोटो आईडी का मैंने आपको बता दिया, और इसके अलावा अगर आपने सब्सक्राइब यानी जो भी मतलब डिसेबल कैंडिडेट है, फिजिकली चैलेंज्ड है, हो सकता है किसी ने सब्सक्राइब के लिए अप्लाई किया हो। सब्सक्राइब का मतलब ये होता है कि आपका एग्जामिनेशन जो है कोई और आपका व्यक्ति जो आप साथ में लाएंगे वो आपके लिए लिखेगा, ठीक है। और अगर स्क्राइब है आपका तो उसके लिए भी जो है सेम चीज़ें अप्लाई करनी है, उसको भी ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर आने हैं, अपनी आईडी वगैरह और फोटोग्राफ वगैरह। और पर्सनल बिलोंगिंग कोई नहीं ले जा सकते, मोबाइल वगैरह कुछ नहीं ले जा सकते। और आपके जो कपड़े होंगे कोशिश करिएगा कि सिंपल से सिंपल हो, उसमें किसी भी तरह का मेटल का कुछ ना हो, और आपके जो फुटवियर आप पहनोगे वो ज़्यादा भारी नहीं होने चाहिए, जैसे लड़कियों के सैंडल की बात करें या कुछ भी, है ना। तो जितना हो सके आप स्लीपर में जाइए चाहे तो, और नॉर्मल आपके जो हैं कपड़े हों, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान में रखिएगा। और क्वेश्चन पेपर कोई आपको जो है नहीं दिया जाएगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे ही होगा क्योंकि सीबीटी है, तो उसी के ऊपर स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिखेंगे, सामने उसको मार्क करने का ऑप्शन दिखेगा, सेक्शन दिखेंगे, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर चुके हैं, कितने अभी बाकी हैं, ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पर दिखती रहेगी। और एक आपको जो है रफ पेज जो है ब्लैंक पेज प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप उस पे जो है अपना रफ काम जो भी आप सॉल्यूशन करना चाहते हैं अपने सवालों का वो सभी चीज़ें कर पाए, ठीक है। तो यही सभी चीज़ें हैं मेरे ख्याल से अभी तक, तो इस चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, और कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी तो वो मैं आपको अपडेट दे दूंगा टेलीग्राम पर ऊपर, और टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो ये सभी जो चीज़ें जो है आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन है। अब मैं पहले ही बता दूं कि CUET का जो बुलेटिन था उसके अंदर मैक्सिमम चीज़ें जो है पहले से बता दी गई कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। मैं पहले आपके डाउट लेकर चलता हूँ। सबसे पहले जो मेजर डाउट ये आ रहा है कि सर हमारा किसी स्पेसिफिक, मान लीजिए हमारा स्लॉट 2 है, उसके अंदर हमारा एक ही पेपर है, ठीक है, एक पेपर का मतलब एक डोमेन पेपर है हमारा 45 मिनट जिसकी टाइमिंग है, और जबकि स्लॉट 2 की टाइमिंग जो है कितने 225 मिनट है, 3.25 घंटे हो गए ना। तो हमें क्या करना चाहिए, आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है वही करेंगे, ठीक है। आप जाएंगे वहाँ पर, आपकी टाइमिंग यहाँ पे एडमिट कार्ड में दे दी है कि आपके स्लॉट 2 में होने वाली है, स्लॉट 2 की एंट्री जो है मान लीजिए स्लॉट 1 में है सुबह 9 बजे वाली में, ठीक है, और आपका एक ही पेपर है उसमें, तो सुबह 8:30 जो एंट्री है वो हो जाएगी, 9 बजे से ही आपका एग्ज़ाम होगा, चाहे आपका एक पेपर है उसके अंदर चाहे आपके 4 पेपर हैं, आपका एग्ज़ाम जो है 9 बजे से ही स्टार्ट होगा। और CUET के बुलेटिन में ये चीज़ पहले से ही मेंशन कर दी गई थी कि अगर आपका पेपर, जैसे आपने एक पेपर कंप्लीट कर लिया तो आप उसको हॉल को छोड़ सकते हैं, और ये सभी चीज़ें जो है वहाँ पर आपको इनविजिलेटर भी खुद बता देगा, ठीक है, क्योंकि उन सभी को ये सभी चीज़ें पहले बता दी जाती है। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये रहा 7th नंबर पॉइंट जो है यहाँ पे लिखा, कैंडिडेट कैन लीव द एग्जाम आफ्टर कंप्लीटिंग द ड्यूरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब जो जो पेपर आपने चूज़ किए हैं अपने उसमें स्लॉट में, एज इंडिकेटेड ऑन देयर एडमिट कार्ड, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हो सकता है यही होगा कि आपका अगर एक पेपर है तो आपको 45 मिनट के अंदर ही जो है रिहा कर दिया जाएगा, यानी आपको बाहर जाने दिया जाएगा कि आप जा सकते हैं। और अगर पूरे आपके 3 या 4 पेपर है तो जो आपकी पूरी टाइमिंग है वो आपको फॉलो करनी है। इसके अलावा मार्किंग सिस्टम का आपने ध्यान रखना है, ये सभी चीज़ें आपने फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में जो है एक बार फिर से
कंसल्ट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे एक टाइमिंग समझ लीजिए कि आपके जो डोमेन टेस्ट है या लैंग्वेज टेस्ट है उनके अंदर आपको 45 मिनट मिलेंगे और 40 क्वेश्चन करने होंगे। वहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन दिखेंगे टोटल, उसमें से आपको 40 अटैम्प्ट करने हैं। 40 अटैम्प्ट करने का मतलब आपके जो फुल मार्क्स है वो 200 है, 200 में से आप कितने लाते हो ये आपको देखना है, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, 45 मिनट मिलेंगे, मेरे ख्याल से इनफ टाइम है, इतना भी नहीं है कि आपको ज़्यादा हफरा तफरी हो जाएगी। और जनरल टेस्ट के लिए 75 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 60 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं और इन 60 क्वेश्चन के लिए आपको पूरे 60 मिनट मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और कोविड से रिलेटेड जो है पहले से ही इन्होंने CVT के बुलेटिन में प्रोवाइड कर दिया था कि आपको क्या क्या करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन जो होगा एडमिट कार्ड के साथ वो लेके जाना है, A4 साइज पर, ठीक है, और बॉल पॉइंट पेन और ये सभी चीज़ें पहले बता दी गई है। जो अब लिखा हुआ है वही सभी चीज़ें यहाँ पर हैं। और कोई भी एक्स्ट्रा आइटम आप नहीं ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप अपनी जेब में कोई बाइक की चाबी, कोई घर की चाबी, इस तरह का कुछ नहीं लेके जाना है, ठीक है। हो सकता है आपसे जो पेन आप लेके जाएंगे वो भी रखवा लिया जाए, वो डिपेंड करता है इन द केस कि सेंटर कैसा है आपका और क्या वहाँ पे फॉलो कर रहे हैं प्रोसीजर। बस जो चीज़ें बताई गई है वो आप ले जाइएगा, और जो चीज़ें कही है कि नहीं लेके जानी वो नहीं लेके जानी। अपने कपड़ों का, ये सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और हमारी तरफ से, पूरी BHU कम्युनिटी की तरफ से, BHU इनकोपीडिया टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं। अपने एग्जामिनेशन के लिए किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप सीधा टेलीग्राम पर आइए और पर्सनली हमें मैसेज कर दिए, आपको हैंड टू हैंड रिप्लाई मिल जाएगा। अभी अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो एग्जामिनेशन से रिलेटेड नहीं, एग्जामिनेशन में अपियर होने से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपको हो रहा है कि सर हम ये चीज़ कैसे करें, वो चीज़ कैसे करें, है ना, तो आप सीधा टेलीग्राम पर आइए और हमसे पूछ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा Phase 2 वगैरह के लिए आपको पहले ही बता दिया गया है, जो नीट वाले स्टूडेंट्स हैं 17 तारीख को नीट में अपियर हो रहे हैं उनका CVT जो है Phase 2 यानी 31 जुलाई के बाद में कंडक्ट करवाया जाएगा। उस चीज़ से पहले मैंने आपको वीडियो दे दी है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यही अपडेट है, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं।